हेलो एंड वेलकम टू ब्रेन बॉक्स हॉर्टिकल्चर। तो आज हम लेके आए हैं कुछ ऐसे प्लांट्स जो आप इजीली अपने किचन गार्डन में लगा सकते हो, और ये प्लांट्स प्लस इनके यूजेस भी होते हैं कुछ, जो हम डिस्कस करेंगे हमारे वीडियो में। तो हमारी वीडियो पूरे एंड तक ज़रूर देखिएगा। एलोवेरा, तो एलोवेरा तो आजकल सभी यूज़ करते होंगे, चाहे एलोवेरा से बने प्रोडक्ट्स हो, जैसे कि स्किन के लिए यूज़ किए जाते हैं, हेयर के लिए यूज़ किए जाते हैं, कुछ कुछ तो हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए यूज़ भी करते हैं एलोवेरा को। और आपको पता है कि जो एलोवेरा होता है ये एक सक्यूलेंट प्लांट होता है। अब आप पूछोगे सक्यूलेंट प्लांट क्या है, तो जो सक्यूलेंट प्लांट होते हैं उसके जो लीव्स होते हैं वो थिक और फ्लैशी होते हैं, प्लस इनके अंदर वाटर रिटेन होता है। और इसके बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस भी है, जैसे सनबर्न के लिए यूज़ किया जाता है और कुछ माइनर बर्न्स के लिए भी यूज़ किया जाता है इसे। और इसमें एक फाइटोकेमिकल भी प्रेजेंट होता है, एंथ्रोक्विनोन, इसीलिए एलोवेरा इज अ गुड ऑप्शन, आप अपने इसे किचन गार्डन में लगा सकते हैं। मनी प्लांट, तो मनी प्लांट तो सभी लगाना पसंद करते हैं, ये एक इंडोर प्लांट है। और मनी प्लांट से कहा भी जाता है कि ये गुड लक लेके आता है, प्रॉस्पेरिटी लेके आता है। और आपको पता है कि जो कल्टीवेशन होती है मनी प्लांट की, दैट इज़ बाय कटिंग्स, तो कटिंग से आप इसे लगा सकते हो। और इसके फ़ायदे भी तो पता होने चाहिए हमें कि क्यों मनी प्लांट को लगाया जाता है। वो एयर को प्योरीफाई करता है, ऑक्सीजन के फ्लो को इनक्रीज़ कर देता है और एन्जाइटी और स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने इंडोर प्लांट के बारे में सोचें तो मनी प्लांट ज़रूर लगाएं। मैरीगोल्ड, तो मैरीगोल्ड एक एनुअल और पेरिनल प्लांट है, और दो टाइप के मैरीगोल्ड होते हैं, एक होता है अफ्रीकन मैरीगोल्ड और एक फ्रेंच मैरीगोल्ड, टैजिटस इरेक्टा, टैजिटस पेटुला। तो जो मैरीगोल्ड होता है उसमें रिच होता है एक येलो ऑरेंज कलर का कैरेटिनॉइड, जिसे बोलते हैं ल्यूटिन, और फूड के कलर के लिए भी यूज़ किया जाता है ये, और आइसक्रीम, कन्फेक्शनरी वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो मैरीगोल्ड आप इजीली अपने सीड्स से के थ्रू भी लगा सकते हो किचन गार्डन में, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके किचन गार्डन के लिए। जैस्मिन, तो जैस्मिन के बारे में बहुत लोग जानते होंगे कि जो जैस्मिन है वो परफ्यूमरी में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और पुराने टाइम में हेयर को डेकोरेट करने के लिए बहुत यूज़ किया जाता था इस फ्लावर को, रिलीजियस ऑफरिंग्स के लिए भी इसे बहुत यूज़ करते हैं। प्लस जो जैस्मिन होते हैं उसको हम प्रोपगेट करते हैं कटिंग से आप इजीली उसको लगा सकते हो और प्रोपगेशन कर सकते हो। प्लस आपको पता होना चाहिए कि जैस्मिन के कुछ मेडिसिनल वैल्यू भी है, लिवर की डिजीज़ को क्योर करने के लिए यूज़ होता है, डाइसेंट्री के लिए यूज़ होता है, और प्लस कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। ड्यूरांटा, फैमिली वर्बिनेसी और ड्यूरांटा इरेक्टा होते हैं, ड्यूरांटा रिपेंस होते हैं। तो ड्यूरांटा क्या होता है इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता होता नहीं है, वैसे फ्लोरिकल्चर वाले या हॉर्टिकल्चर वाले या एग्रीकल्चर वाले उन्हीं को पता होगा। तो जो ड्यूरांटा होता है वो एक श्रब या फिर स्मॉल ट्री होता है, और इसके जो लीव्स होते हैं वो लाइट ग्रीन कलर के होते हैं। इसमें एक खास बात ये होती है कि आप इसको अलग अलग शेप्स दे सकते हो, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल क्लिपिंग ऑफ श्रब्स की जाती है, और उसकी एक प्रॉपर टर्म होती है, जो अगर किसी को पता होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम उसको एक बार डिस्कस ज़रूर करेंगे कि उसे क्या बोलते हैं। रोज़, तो आपको पता है कि रोज़ एक इतना कॉमन प्लांट है कि कोई भी इस फ्लावर को अपने किचन गार्डन में ज़रूर लगाता है या लगाएगा ज़रूर। तो जो रोज़ होते हैं उसकी अलग अलग वेराइटीज़ होती है, और उसकी प्रोपगेशन भी आइदर टी और शील्ड बर्निंग ऑन रूट स्टॉक कर सकते हैं, और हम कटिंग्स से उसको प्रोपगेट कर सकते हैं इजीली। और हमें पता है कि इसके लिए लोमी सॉइल बहुत अच्छी सूट करती है, और प्रूनिंग कर सकते हैं हम इसमें सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर पे। जो रोज़ेज़ होते हैं उसके भी यूज़ होते हैं,
रोज वाटर कौन यूज नहीं करता है ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए, तो सबसे ज्यादा रोज वाटर यूज किया जाता है, प्लस रोज ऑयल यूज करते हैं हम, और साथ ही साथ परफ्यूमरी के लिए बहुत यूज किया जाता है, रोज हिप्स होते हैं वो भी यूज किए जाते हैं। तो अगर आपको पता होगा ब्लू रोज भी होता है, तो अगर किसी को इसका आंसर पता होगा कि इसमें कौन सा पिगमेंट होता है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी फ्रूट किसको नहीं पसंद है। आप इसको इजीली अपने किचन गार्डन में लगा सकते हो, और इजीली ये एक पेरिशेबल फ्रूट है, तो इसको आप इजीली लगाओगे और रनर्स के थ्रू लगा सकते हो, स्टोलॉन के थ्रू लगा सकते हो। ये एक मैनमेड हाइब्रिड है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंथोसाइनिन, फ्लेवोनॉइड्स, पिनोलिक कंपाउंड्स, और इसके यूजर्स प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे चॉकलेट, मिल्क शेक, आइसक्रीम, इन सबको बनाने के लिए स्ट्रॉबेरी बहुत यूज़ की जाती है। तो ये थे आज कुछ प्लांट्स जो हमने डिस्कस करे, जो इजीली आप अपने किचन गार्डन में लगा सकते हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें वीडियो को। थैंक यू।